हेलो फ्रेंड्स, सुनीतास किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो राजस्थान में हर छोटे बड़े फंक्शन में दाल बाटी चूरमा बहुत ही नेसेसरी होता है। तो चलिए देखते हैं दाल बाटी चूरमा कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम दाल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिए मिक्स दाल, इसको हमने धो लिया है। तो आज हम इंस्टेंट दाल बनाएंगे जो कि आप बहुत जल्दी बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर लिया है, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल गरम हो गया है, इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हींग इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें आधे चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे, एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो अब हम इसका छौंक लगा लेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हमने एक टमाटर यूज किया था। अब इसमें दाल डाल देंगे, तो अब दाल में पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना यूज करा है। और अब इसमें सीटी लगा देंगे। तो अब हम दाल में दो सीटी लगा लेंगे। अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब घी गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे, दो तेज पत्ता और दो लाल मिर्च। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। तो हम जो तड़का है वो कसूरी मेथी का लगा रहे हैं, हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। और इसमें धनिया डाल देंगे। तो देखिए तैयार है हमारा तड़का। अब इसे दाल में डाल देंगे। तो देखिए दाल हमारी दो सीटी में उबल गई थी, अब इसमें तड़का डाल देंगे। तो देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है और इसमें कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो अब हम बाटी का डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम ले रहे हैं आटा। आटा हम 5 लोगों के अनुसार ले रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे सोडा और डालेंगे। अब इसमें हमने लिया है घी, इसे डालकर पूरे आटे को अच्छी तरह मिला लेंगे।
तो अब पूरे आटे को मिक्स करके हम इसे पानी से गूंद लेंगे। तो पानी हमने लिया है गुनगुना, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिलाएंगे। तो जो बाटी का आटा है वो हमें टाइट ही रखना है। तो जितने हमारा डो लग रहा है उतने हम बाटी उबालने के लिए पानी गर्म चढ़ा देंगे। तो उसके लिए हमने लिए कढ़ाई, उसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है जिसमें कि बाटी जो हमारी डूब जाए। अब इसे गर्म चढ़ा देंगे। तो डो लग कर तैयार है, अब इसकी बाटियां बना लेंगे। तो जो बाटी है वो हम कुछ इस शेप में और इस साइज में बनाएंगे। बाटी बनकर अब तैयार है और यहां पर हमारा पानी भी उबल गया है। अब इसमें बाटियां डाल देंगे। तो जो पानी है इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि जब बाटी हमारी चिपके नहीं। तो अब सारी बाटियां इसमें डाल देंगे। तो ये जो बाटी है इसे बाफला बाटी कहते हैं, क्योंकि 50% की इसमें उबल जाएगी और जब हम सेकेंगे तो ये 50% जब पक जाएगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और जो बाटी हम सेकते हैं उससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होती है। तो देखिए बाटी अब उबल चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए बाटी थोड़ी फूल भी चुकी है। सारी बाटियों को निकाल कर इनको थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ देंगे जब तक ये सूख ना जाए। तो अब इन्हें थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रख देंगे जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए और फिर इन्हें सेकेंगे। तो बाटी कुकर हमने गर्म रख दिया है, अब इसमें बाटी डस सेक लेंगे। तो बाटी को हम पलट पलट के सेक लेंगे और इसका फ्लेम जो है वो कम रखेंगे ताकि बाटी जले नहीं। तो बाटी अच्छी तरह सिक गई है, ये एकदम लाल हो गई है। अब कुछ बाटी का चूरमा बना लेंगे। तो बाटियों को तोड़कर हम इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो बाटियों को थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बाटी को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें बूरा डाल देंगे। बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब इसमें घी डाल देंगे। बाटी का जो चूरमा है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें थोड़े से बादाम डाल रहे हैं। तो चूरमा हमारा बनके तैयार है, अब हम बाटी दाल चूरमे की प्लेटिंग कर लेंगे।